रोल्स रॉयस घोस्ट 2009 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का सेकेंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है जिसकी कीमत है एक शोरूम 7 करोड़ रुपीस। हेनरी क्लोक ने डिज़ाइन की है नई घोस्ट। इसके इंग्लैंड के गुडवुड प्लांट में असेंबली होती है। ऑल व्हील ड्राइव है नई घोस्ट। रोल्स रॉयस सिल्वर सराफ को रिप्लेस किया था घोस्ट ने। 1906 की रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट से लिया गया है इस कार का नाम। ये अब तक की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रोल्स रॉयस है। पोस्ट ऑप्युलेंट डिज़ाइन फिलॉसफी है। शॉफर ड्रिवन के साथ क्लाइंट्स की डिमांड पे नई घोस्ट को रोल्स रॉयस ने काफ़ी ड्राइवर फोकस भी बनाया है। ये फैंटम का छोटा और एवरीडे यूज़ करने वाला वर्जन है। ये शॉर्ट व्हील बेस मॉडल है, लॉन्ग व्हील बेस मॉडल भी आता है। फ्रंट सेंसर्स हैं और ये डाउनलिट आइकॉनिक पैंथियन ग्रिल। रोल्स रॉयस का लोगो, फ्रंट कैमरा और ये है सॉलिड सिल्वर स्प्रिट ऑफ एक्सटेसी लोगो। गोल्ड प्लेटेड का भी ऑप्शन है और ये है लेजर हेडलाइट एलईडी डीआरएल के साथ। लेक ऑफ बोनेट है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, शार्क फिन एंटेना, हैंडमेड सिग्नेचर कोच लाइन है। इसमें कई कलर्स के ऑप्शंस हैं, डबल कोच लाइन का भी ऑप्शन है। साइड इंडिकेटर, रोल्स रॉयस का लोगो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं कैमरा के साथ। ₹5.5 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है और लगभग 2500 kg कर्ब वेट है नई घोस्ट का। एक्सटेंडेड व्हील बेस की 5.7 मीटर लेंथ होगी। ये डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, ब्राउन, रेड, पर्पल, ग्रीन और वाइट को मिला के 31 कलर्स के ऑप्शंस हैं। और ये है 19 इंच के अलॉय व्हील्स, 21 इंच के अलॉयस का भी ऑप्शन है। व्हील्स में कई कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, सेल्फ राइटिंग व्हील सेंटर कैप्स हैं, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। रोल्स रॉयस के वॉल्व कैप, रियर डिस्क ब्रेक्स और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। आर्किटेक्चर ऑफ लग्जरी प्लेटफॉर्म पर बनी है घोस्ट, जिस पे फैंटम और कलिनन भी बने हैं। एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम चेसी है, ऑल व्हील स्टेयरिंग है मैजिक कारपेट राइड के साथ, आगे और पीछे 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। 100% एल्यूमिनियम लेजर वेल्डेड डोर्स हैं, बेहतर केबिन एम्बियंस के लिए। स्पेस फ्रेम चेसी है नई घोस्ट के और ये है नियर स्क्वायर एलईडी टेल लाइट। क्रोम प्लेटेड विजिबल एग्जॉस्ट हैं, रियर सेंसर्स हैं, रोल्स रॉयस का लोगो, रियर कैमरा। रोल्स रॉयस की 116 ईयर हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है घोस्ट। हाई माउंट स्टॉप लैंप, 10 साल की टेस्टिंग और डेवलपमेंट से बना दुनिया का पहला प्लानर सस्पेंशन सिस्टम है, जो व्हील वाइब्रेशन को कम करके एक शांत क्वाइट ड्राइव देगा। इसमें आगे वर्ल्ड फर्स्ट अपर विशबोन डैम्पर यूनिट है, जो रोड के हिसाब से सस्पेंशन को रेडी करेगा, और पीछे 5 लिंक एक्सल सेल्फ लेवलिंग हाई वॉल्यूम एयर सस्पेंशन है।
बेहतर राइड के लिए कंटिन्यूसली वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, सेल्फ लेवलिंग हाई वॉल्यूम एयर स्ट्रट असेंबलीज के साथ, जो आज तक पहले कभी प्रोडक्शन कार में यूज नहीं हुए हैं। कैमरा असिस्टेड पेडेस्ट्रियन रिकॉग्निशन है, जो ड्राइवर को आसपास की मूवमेंट बताएगा। रोड रिकॉग्निशन है, जो स्टीरियो कैमरा की मदद से रोड को देखकर डैम्पर्स एडजस्ट करेगा और सही गियर भी चूज करेगा। सेफ्टी के अंदर 8 एयरबैग्स, ABS, पार्क असिस्टेंट, आगे पीछे पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेल्फ ड्राइंग ब्रेकिंग सिस्टम, डे और नाइट टाइम वाइल्ड लाइफ वार्निंग, अलर्टनेस असिस्टेंट, 4 कैमरा पैनोरामिक और हेलीकॉप्टर व्यू, कोलिजन वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और सेल्फ पार्किंग। रोल्स रॉयस फैंटम का छोटा वर्जन है घोस्ट, जिसको एवरीडे आप यूज़ कर सकते हैं। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 507 लीटर की बूट स्पेस। लाइट दी गई है, यहाँ साइड में फर्स्ट एड किट है। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो ये हैं कोच डोर्स, जिन्हें सुसाइड डोर्स भी कहा जाता है। वॉलनट ट्रिम है डोर पे, कई और वुड ट्रिम्स के ऑप्शंस हैं। नीचे काफी स्पेस, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, दो मेमोरी सीट के फंक्शंस, पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर्स। और ये है आइकॉनिक रोल्स रॉयस अम्ब्रेला। ये कमीशन कलेक्शन अम्ब्रेला स्पेशली घोस्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्कफ प्लेट, और ये है ब्लू एंड व्हाइट लेदर अपॉस्ट्री, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्राउन, पर्पल, येलो, पिंक, सिल्वर और ग्रीन को मिला के 49 कलर्स के ऑप्शंस हैं। सीट के पॉकेट्स और स्क्रीन्स हैं, टेबल्स हैं, और ये है स्टार लाइट हेडलाइनर शूटिंग स्टार्स के साथ, ब्लैक क्लॉथ और सनरूफ का भी ऑप्शन है। और ये पिकनिक टेबल, और ये रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, पिलर्स पे 2 AC वेंट हैं, और ये CD चेंजर, 2 USB पोर्ट, और ये AC कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन के बटन्स हैं, 2 AC वेंट, और ये हैं इलेक्ट्रॉनिकली डिप्लॉयबल 12 इंच की रियर थिएटर HD टच स्क्रीन। सीट के कंट्रोल्स हैं आर्मरेस्ट पे, आप क्लोज भी कर सकते हैं। फिक्स्ड सेंटर कंसोल का भी ऑप्शन है। दो ग्लास होल्डर्स, आर्मरेस्ट के अंदर भी काफी स्पेस है, चार्जिंग पोर्ट है, और ये है एक्सट्रेसी रोटरी कंट्रोलर, इससे आप दोनों स्क्रीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन सपोर्ट करेंगी व्हीकल सेटिंग्स, सीट कंफर्ट, सिस्टम सेटिंग्स, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, ट्रिप कंप्यूटर, एप्लीकेशंस, कम्युनिकेशन, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन। हुक्स हैं, स्टार लाइट,
और ये रीडिंग लाइट्स। आगे पीछे वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। स्टीयरिंग पे भी वुड ट्रिम का ऑप्शन है। लैम्स वूल फुट मैट्स का भी ऑप्शन है। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे ऊपर वुड ट्रिम है, नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है, स्पीकर्स हैं। दो मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, बूट खोलने का बटन। शानदार कोच डोर्स। अपने नाम की भी आप स्कफ प्लेट बनवा सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पीछे बटन भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। वैसे दिखती हैं आगे की सीट्स। कई स्टाइल में इंटीरियर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिलेंगे। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, और ये है 3-spoke स्टीयरिंग, पेडल्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और ये लाइट के कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। आर्मरेस्ट के अंदर भी काफी स्पेस दी गई है, लाइट है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है, और ये कैमरा का बटन, सस्पेंशन लिफ्ट करने का बटन, पार्क एसेस का बटन, और ये डोर क्लोज करने के बटन्स, और ये इंफोटेनमेंट कंट्रोलर। और यहाँ दो ग्लास होल्डर्स हैं, और ये है ऑटोमेटिक 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल AC माइक्रो एनवायरनमेंट प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ। हीटेड स्टीयरिंग का भी बटन है, और ये AC वेंट्स। और ये है इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा USB, एप्पल कार प्ले, 12.5 GB हार्ड ड्राइव, ऑक्स, नेविगेशन, Wi-Fi हॉटस्पॉट और TV ट्यूनर। इंटीरियर लाइटिंग आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटीरियर लाइटिंग, व्हीकल सेटिंग्स, इंटेलिजेंट सेफ्टी, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, स्पीड वार्निंग, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, क्लाइमेट कंफर्ट, सीट कंफर्ट, ये नेविगेशन, मीडिया रेडियो, FM, नोटिफिकेशंस, एप्लीकेशंस, व्हीकल सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, साउंड सेटिंग्स, इक्वलाइजर, और ये स्प्लिट ऑफ एक्सटेसी कंट्रोलर, रेज या लोअर, ड्राइवर प्रोफाइल्स, व्हीकल सेटिंग, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, और ये हैंडबुक।
और ये कैमरा 360 डिग्री व्यू के साथ। और ये इंटेलिजेंट सेफ्टी, कॉलिजन वार्निंग, पेडेस्ट्रियन अलर्ट एक्टिव। ये बटन दबा के आप ऑटोमेटिक डोर क्लोज कर सकते हैं। शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, हेड अप डिस्प्ले है और ये हैंड क्राफ्टेड एनालॉग क्लॉक। दो और क्लॉक्स के ऑप्शंस हैं, बोट ट्रिम, लॉकेबल ग्लो बॉक्स लाइट के साथ और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं, स्टार लाइट के कंट्रोल्स हैं, इमरजेंसी SOS का बटन है और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और ये एक्टिव क्रूज कंट्रोल। और ये वॉइस कंट्रोल, फोन वॉल्यूम और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। और ये है ZF का 8 HP 98 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लाइट के कंट्रोल्स और ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और ये वाइपर के कंट्रोल्स और ये है पियानो ब्लैक लेजर एज्ड हैंड पॉलिश्ड स्टार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाई ग्लॉस फिनिश में। ये दिखाएगा RPM, स्पीड, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, एवरेज और कई इंफॉर्मेशन। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 6750cc V12 ट्विन टर्बोचार्ज BMW N74 B68 पेट्रोल इंजन। 563 हॉर्स पावर है, 850 Nm टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 4.8 सेकंड्स में, 250 किलोमीटर पर आर की लिमिटेड टॉप स्पीड है और 8 का एवरेज मिलेगा 82 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही इंजन रोल्स रॉयस फैंटम और कलिनन में भी यूज होता है। V12 6750cc इंजन है ये, ट्विन टर्बोचार्ज्ड, 563 हॉर्स पावर है, 8 का एवरेज है। तो कैसी लगी आपको रोल्स रॉयस घोस्ट, हमें कमेंट